आप आ गए पानी लगा के। मेरी फैमिली कैसे हैं सब? तो भी अभी मैं गांव से सुबह सुबह नमाज पढ़ के जाता और ट्यूबवेल चला के, तो अभी कॉल आई कि अम्मा और बच्चे मक्खन और साग मैंने भेज दिया क्योंकि उन्होंने नाश्ता करना, ताज़ा और ताज़ा लहसुन लहसुन वहाँ से भी लेके आया हूँ। तो अभी भेज दिया अम्मा के पास, मक्खन भी मैंने भेज दिया है, साग भी भेज दिया है, तो अभी ये फ्रेश ना थूम और धनिया भेज दिया है। तो हमने जो रात साग को तड़का लगाया था वो माशाल्लाह से सितारा भी इधर आई थी, मक्खन था साथ में तो उसको बहुत पसंद आया, फिर अम्मा की तरफ भी बना हुआ भेज दिया। तो अभी जो है फिर से नए साग को तड़का लग रहा है सुबह की नई रूटीन के साथ, सुबह नया साग नए मक्खन के साथ अभी फिर से नया बना रहे हैं। ये देखिए साग बन चुका है पर अभी खा रहे मक्खन और साग, चलो बिस्मिल लग रहे। बस अभी जा रहे हैं हम लोग गांव और रुखसार गई है तैबा को बुलाने, वो आ जाए फिर चलते हैं साथ। तो ये गई है रुखसार बुलाने, अभी अंदर है मेरे ख्याल से, बस आ गई है तो नहीं उतरता, बैठो चल बह जल्दी के थे यहाँ पर। और ये देखें इनके बछड़े इस तरह बैठे हैं धूप खा रहे, कितने प्यारे प्यारे बछड़े हैं माशाल्लाह। तो बस अभी ये चौलिस्तानी बहन कह रही है मैं देर तक चलूँगी, और बेर ही दे ला इतने बेर लगे हुए हैं इसके ऊपर ना, ये देखें मोटे मोटे देख रही है बछड़े। और भैया भी चलते हैं फिर गाँव, ये बोरा उठाते हैं इसमें सामान है। अभी चौलिस्तानी बहन आज नहीं जा रही क्योंकि इनकी बेटी जा रही है, इनके घर थी तो अभी जा रही है वो वापस अपने ससुराल। तो पहुंच चुके हैं गांव और आज ये भी भाई जाना, ये भी ट्यूबवेल चला रहे हैं, उमर ने पानी लगाया हुआ है भाई। आज ना ये वाली कल निकालनी है हमने, तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई अपना काम स्टार्ट। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे बताया कि इसको जो है ना आपने नीचे से जो है ना ऐसे करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ समझ आ नहीं रहा, फिर जो है ना ऐसे करना है। तो ये सारे पौधे जो है ना मुझे आ तो नहीं रहा, ये देखा टूट गया, पता नहीं कैसे करना है, नहीं आ रहा मुझे, तो ये कुछ करना है पता नहीं कैसे करना है, ये टूट गया मुझसे। अच्छा देखती हूँ, बस पर अभी उमर मूली छील रहा है और यहाँ पर रोटी भी खा रहा है, और यहाँ पर अम्मी अपना जो ना काम कर रही है। देखो मैंने ये भी बना ली और ये भी इतनी सारी, ये भी बना लिया है मम्मा ने, और कार निकल रही थी मैं निकाल रही, तो भाई जमील भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक? ये प्याज की कार निकाल रहे हैं, फिर इसकी बिजाई करनी है आज ना, खुद निकाल रहे हैं। हाँ मैं चेक करूँ कैसे निकलती है, आपको आती है? हाँ हमारे बड़े काम करते रहे हैं और तेरा हमने भी किया हुआ, ऐसी बात थोड़ी है, यहाँ से निकालना है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुझे पहले नहीं आ रही थी, फिर फारूक ने मुझे बताया तब मुझे, हाँ ऐसे ऐसे अब मेरा ये फर्स्ट टाइम है ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अगर बंदा आदत बना ले तो हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे भी फारूक ने बताया तो मैंने भी ये देखे काफी सारी जना मैंने निकाली है। अच्छा। जमील अभी जा रहे हैं उधर मेरे हस्बैंड के पास उनसे मिलने, और ये देखे ये पानी भी आ रहा है ना, ये देखें बिजली वाला बोर भी चला है, ऐसे लग रहा है क्या चीज़ आ रही है ना, ये आ रहा है। तो कुछ देर बाद ये पानी जो गारा गारा है ना ये साफ हो जाएगा। और जो है ना मूली के साथ साग के साथ मक्खन के साथ और अपना कर रहा है नाश्ता, ये सुबह सुबह अपने पापा के साथ आ गया था। नहीं करो नाश्ता, नहीं नहीं करो, क्यों नहीं करो, इसलिए तो मैं आपके लिए साग और मक्खन लेके आई कि मेरा बेटा खाए और अच्छे अच्छे से कमाए, फिर ऐसे अच्छे से खा पी के जान बना के फिर अच्छे से जान लगाओ ना यहाँ पर ज़मीनों में। अब मेरी उम्र है खेतों में काम करने की, अब तो मेरी बैठने की उम्र है, मैं बैठ जाऊँ और आप मुझे खिलाओ, यहाँ पर मेहनत करो, घर हमें अनाज दो। और भाई कनक हमसे पूछते हैं कि गंदम क्या है, गंदम जो है ना मैंने हर बार बताया कि गंदम की फसल, ये गंदम हो गई वो हो गई, जो आटा बनता है गेहूँ होता है जिससे आटा बनता है उसको गंदम बोलते हैं, उसके दाने होते हैं। आपके पास जो शहरों में आपने गंदम शायद नहीं देखी होगी, तो हमारे यहाँ गंदम जो है ना उगाई जाती है, फिर इसकी जो मशीनें वगैरह लगती हैं जिसमें से दाने निकाले जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो सब हम आपको भी दिखाएँगे। तो गंदम जो है ना उसको बोलते हैं जिसमें से आटा निकलता है, तो आपके पास तो पैकेटों में आटा आ जाता है, बोरियों में आ जाता है, तो आपने पता नहीं किसी
आपने गंदम देखी होगी या फिर देखी होगी तो नहीं पता होगा कि गंदम का नाम क्या है। तो आप तो उसके गंदम से आटा निकलता है। देखें पानी भर के आ गया और ये हमारा सामान है साथ में। तो ये पानी लग रहा है हमारी उस वाली गंदम को, वो जो सामने है। उमर जल्दी जल्दी नाश्ता करो। तो ये देखिए तो सारा अंदर पानी आ गया। भैया मेरी कन बच गई थी, ये देखिए इतनी सारी बच गई थी, सारा पानी आ गया। उधर बैठे थे मैंने सारी जो ना ये वाली कन बाहर निकाल दी। मैंने कहा कहीं ये ना हो कि सारा जना अंदर पानी ही भर जाए। तो बैठ के यहाँ से निकालती, पता नहीं मेरे हस्बैंड और उमर कहाँ चले गए हैं। घास को पानी लगा, बगले कैसे आ गए, वो लोग उधर हैं ना यहाँ पर। अभी अम्मी पानी भी आ गया यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, फिर भी अम्मी निकाल रही है। आपके पापा कहते हैं इसको निकालो, तो फिर मैं निकलवा लेती हूँ ना। नहीं 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 ऐसे नहीं, नीचे नहीं। ये देखो आ गई है, ज्यादा नहीं टूटना चाहिए ऊपर से। ये देखो मैं कह रही थी मेरे का टूट जाएगी। नहीं आराम से, आराम जो से। पतली है वो आ रही है, जो मोती है वो नहीं आ रही। अब मुझसे नहीं आ रही यहाँ पर ये कन, कुछ मुझसे पटी है तो कुछ जो है मेरी टांगों में दर्द। मैंने इस वाली थूम को जो है ना चाइना वाला बीते इसको गोडी मैंने लगा दी है। तो ये देखें अब पानी भी आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें इस वाली थूम में पानी आना स्टार्ट हुआ है। पालक तो भर चुकी है और इसमें भी पानी आ गया। आज मैंने सोचा था मुंगरे तोड़ेंगे, और ये गाजर हमने अभी तक एक भी नहीं निकाली। मूलियाँ भी पानी की भर चुकी है। ये देखें अभी आ भी रहा है ना थोड़ा थोड़ा, इस वाली थूम में अभी पानी जाना स्टार्ट हुआ है। ये जा रहा है गाजर से, क्योंकि एक भरेगा तो दूसरा। चलो मैं यहाँ से कुछ मटर तोड़ के खा लेती हूँ पहले। मूंगरे हमारे देखें कैसे लदे हुए भरे भरे हैं, लेकिन दो तीन दिन तक ये पक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। मटर जो है ना मैंने यहाँ से तोड़ के खा लिए। तो मूंगरे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये ना ख़राब हो जाएंगे, पक जाएंगे, आप तोड़ लें। मैंने कहा आप तो ये मुझसे नहीं हो रहे। और तैयबा और रुखसार गए ट्यूबवेल पर नहाने, तो बस मैं जाती हूँ थोड़ी देर बैठती हूँ। वो जो कन है मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो आप जो है ना वो निकाल रो, निकाल लो जो रहती है। ये भर के ना फिर इधर पानी आ रहा है। कोशिश करें कि कोई गाजर मिल जाए हमें ना कहीं से। ये छोटी है गाजर ना, ये कुछ बड़ी। अच्छा ये देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। नहीं निकला, टूट गया ऊपर से तो गया है टूट, तो नीचे से वही ज़मीन है ना। इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, निकल आया। ये देखें भाई आज हमारे खेत की पहली गाजर हमें मिली। तो ये धोते हैं और देखते हैं कितनी मज़े की है, खा के चेक करते हैं। फिर इधर से साफ पानी है। तो ये देखें भाई तरोताज़ा और फ्रेश फ्रेश गाजर। अब इनसे मैंने कहा गाजर मिली है, मैंने खाई। तो कहते एक क्यों तोड़ी। नहीं आपका मुझसे इतनी जेलसी क्यों है? इसमें जेलसी कौन सी बात है, आप खाएं हम ना खाएं। हाँ नहीं नहीं मैंने तो खाई, अब आप क्यों नहीं खा रहे? अरे मेहनत की है तो किसके लिए जो है ना उगाए हैं, आपके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खाओ। ऐसा करते एक गाजर बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी ने क्यों खा ली। हाँ बर्दाश्त की है, मैंने कौन सी बुरी बात कही आपको। मैंने कहा है कि आपने तोड़ा तो हमारा भी तो हक बनता है। कहते हैं मेरे लिए भी तोड़ दे। मैंने कहा मैंने वैसे देखा कि निकलती है कि नहीं, नहीं ऊपर से ये टूट जाती है जोर इतना ने निकाला ये आपसे तो। ये जो हमारी पहली गाजर, दूसरी एक मैंने निकाली। तो पानी से उधर ही धो के उधर ही खा लेती है। आपको चाहिए? नहीं तैयबा और रुखसार के लिए एक निकाल दो। अच्छा बचपन में ना हम पता है क्या, अम्मी ना पूरी कढ़ाई भर के ना गाजरों की ले के ना आती थी, फिर धो के ना नाम आया तो निकली भी छोटी थी। नो
फिर पता है क्या, साथ में गुड़ लेते थे, एक हाथ में गुड़ एक हाथ में गाजर, एक जो है ना कट करते गुड़ को, एक जो है ना गाजर को, तो इतनी मज़े का वो टेस्ट बनता था ना। तो अभी जैसे मैंने वो खाया ना गाजर का, वही टेस्ट और वही खुशबू वो उस बचपन वाले, तो ये भी आ गई। ताज़ी और फ्रेश गाजर, चलो एंजॉय करें। कैसी है? मीठी और ठंडी लग रही है। अब मैं एक और भी निकालूंगी अभी, फिर मैंने पहले ऊपर से हाथ लगा के देखती हूँ कौन सी बड़ी है, फिर मैं निकालती हूँ, क्योंकि अब जमीन गीली है ना तो पता चलता है कि भाई कौन सी मोटी और कौन सी पतली गाजर है। अच्छा ये मोटी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है ये पग्गी वाइट होगी। देखा ये इस तरह की निकली है, इनका ना सालन सही बनेगा ऐसे। अभी इनको देर है, हमने ना लेट कास्ट की है ये। ये देखे ना अब, ये जैसे गर्मी बढ़ी, ये खाने वाली नहीं है मुझे लगता है। अभी फिर से ये ढूंढ रहे कि कोई और ढूंढे बड़ी, सब छोटी हैं अभी। ये कहीं ऊपर रख रख के दाग लग गए कपड़ों को, चले छोड़ दे अब छोड़ दे, ये पानी के बाद हो सकता है फिर बड़ी हो ऐसे। चलें बस ये काफी है, बड़े शलगम लग गया। नहीं मुझे नहीं खाने, शलजम आप खाएं, मैंने मटर खा लिया वहां से, शलजम आप खाएं आपकी मर्जी, मैंने तो खाए। अभी मूंगरे भी रेडी हैं, पालक भी रेडी है, हरा धनिया, लहसुन और जी मटर, मूली, गाजर, गाजरें, शलगम, ये सब हमारे पास अभी ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। मज़े से हम भी खा रहे हैं, हम बच्चे भी खा रहे हैं, और हमारे गांव के रिश्तेदार दोस्त अजीज अहबाब जो भी आते हैं उनको भी वो भी ले जाते हैं यहाँ से। मेथा भी काफ़ी लोगों ने खाया, हमने भी खाया, दोस्तों को भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यही मज़ा होता है, अपनी मेहनत करें, अपने खेतों में हर चीज़ लगाएँ, मार्केट से मत खरीदें, क्योंकि मार्केट में 3-4 दिन बाद वो आपको जाके मिलता है चीज़, तो उसमें वो टेस्ट नहीं, लज़त नहीं होती। अभी गाजर ताज़ी निकालें, ताज़ा उसके सब्ज़ी को घर लेके पकाएं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ दोबारा होता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने गाजर और गुड़ एक साथ खाए हैं कि नहीं खाए। हमने अपने आपने बचपन में खाया था ऐसे, खाया था ना। हमारे यहाँ पता है क्या, अम्मी बच्चे नहा के आ गए हैं सारे, तैयबा आपने दूते जूते भी खराब कर दिए अपने, और ये रुखसार अब कह रही है सर्दी लगी है। चलो उमर इसमें डाल दो। उमर कुछ बांधी हुई है, कुछ नहीं बांधा हुआ है, घर नहीं जाना, उधर काम है, उधर चलते हैं। अच्छा नहाना, चलो अस्सलाम, फिर से जा रहे हैं नहाने। तैयबा करिए, अभी मैं नहाऊंगी, आप जाएं हाँ। और दूसरे साइड पे जाके काम करें, मुझे भी यहाँ पर काम। अब मैं थक गई हूँ। आप थक गई हैं तो फिर मैं क्या करूँ, आपने काम नहीं करना? काम तो करना है, क्यों तो नहीं करना? चलें आप अपना, तो आप मुझे शाबाश कभी देते हैं कि आपने अच्छा काम किया है या मेरा साथ देते हैं? अपने काम में कैसी शाबाश, आपने फिर भी होता है। मैं तो कहती हूँ आप जो है ना हिम्मत से काम करते हैं, आपने कभी मुझे कहा है? मैंने कहती हूँ मैं आपसे, आपने कभी नहीं मेरे कहा कि आप मेरी इतनी अच्छी वाइफ हैं। काम करें ठीक है, मुझे अपना काम करने दें ठीक है, मुझे देर हो रही है, अभी मैंने शहर जाना है, वहाँ से खाद भी लेनी है और खाद आके गन्नों में डालनी है। चलें एक बार तो कह दें, रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं आप कहेंगे मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, फिर मैं हटूंगी। अच्छी तो आप हैं, मैंने कहा कि आप अच्छी नहीं है, तो फिर आपके साथ मेहनत करें। आप काम के वक्त जो है ना काम करें बस, थक गई हूं थोड़ी देर, मैंने कहा आपके साथ जाना गपशप करती हूं, रेस्ट करें वहां पर, तो मेरे साथ गपशप तो करें थोड़ी देर। मैं काम करूंगा, गपशप आपके साथ नहीं, आप मेरे साथ गपशप, नहीं तो फिर इधर नहाते हैं हम लोग, आ जाए मछली वाली कौन सी बात, नहीं हम लोग अब कैसे बचपन में नहाते थे सब, आज हम लोग वैसे नहाते इसमें बैठ, गाँव वाले क्या कहेंगे, कहेंगे आज कैसे बच्चे बन, चलें बस नहीं आप मेरे साथ आज नहाए, बस आज मेरे साथ इस वाटर में ना भाई, अपनी माँ को से बात जाओ, ये क्या कर रही है, नहीं उमर भी हमारे साथ नहाएगा ना, फिर हम सब नहाएंगे, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं अकेले नहाऊंगा, ठीक है, मैं भी मजाक कर दी, सब अकेले नहाए, चले ठीक है। कन भी सारा कुछ जो ना इस बोरे में डाल दिया खाद वाले में, आप चलो उधर भी वो जो कन उसके आपके पापा ने उस दिन वो निकाली थी ना उसको बांधते हैं, चलो अब तो अभी चलते हैं। ये देखिए घास में भी पानी, उधर भी पानी, और गंदों में भी पानी लगा, वहाँ से भी लगा, उमर ने ली उठाई है, तो अभी जो ना यहाँ से करते हैं क्रॉस, तो आगे भी गंदम को पानी लगा हुआ है, और कहीं जो ना मैंने अपने कांधों पे रखी हुई है, इस तरह गांव में आए ना तो ये सब होता है। दूसरी साइड पर ये वाले बीज,
चल रहा है। अच्छा तो यहाँ जाते हुए भाभी और भाई रुक गए हैं। भाभी आ रही हैं मिलने, तो इनसे कहते हैं कि कल आना है आपने और सब्जी बिजाई करवानी है हमारे साथ। तो बस अभी ये जा रहे हैं इधर, भाई और भाभी जा रहे हैं उधर, मैं जा रही हूँ उधर। वो कन बांधनी है। उम्र मेरे ख्याल से घास आज नहीं निकालेगा यहाँ पर। कल मेरा कज़न, इसको भी पानी लगा के गया वहाँ पे, तो है धूप। तो इनसे कह रही हूँ, मैंने कहा पत्ते इसने तोड़ दिया, मैंने कहा वो जो कन वहाँ पे पड़ी है ना वो इधर ले आओ, इधर बैठ के ना छाँव में, तो बनाते हैं। तो ये उम्र लेके आ गया है, सामान भी लेके आ गया है जो हम साथ लाते। ये कन है, इसको बांध के इसमें रखनी है बोरे में, बाकी गया लेने। अंदर उम्र दिखाओ, अंदर दिखाओ मुझे। तो इस तरह की ना इसकी जो है ना बुथियाँ बांध दी हैं। तो अभी चलें घर। हाँ नहीं नज़र आएगा ऊपर जो है ना, कोई जहाज़ जा रहा था इसको नज़र नहीं आ रहा। ये कन का बोरा आएगा इधर, और अभी जाऊंगी सबसे पहले मैं, और बच्चे जो ना फिर बाद में आएंगे। बच्चों की वीडियो नहीं बना सकते। ध्यान ध्यान पानी पी लेना नीचे से पानी। नीचे ना पानी पी के फिर से ऊपर चढ़ रही हैं। बस नहाना है ना सबने, फिर गांव चलते हैं। ठीक है, मैं बोर डावल पे जाऊंगी। चलो ठीक है, बोर पे धाना चलो। तीन दिन से बस सब बच्चे इसी में है। तैयबा भी, आयत भी, ये देखें इन्होंने अंदर जो है ना अपना छोटा सा, ये देखें इन्होंने रूम बनाया हुआ है। सब बच्चे इधर होते हैं। ये किसका रूम है आयत? हमारा रूम। आपका रूम है। हाँ। और ये देखें भी इनका रूम कितना प्यारा है। और ये बच्चे इधर ही खाना खाते, अपना रूम इन्होंने बनाया हुआ है। ऊपर से छांव देखें इन्होंने कैसी बनाई है। हमारे घर फहद भी आया है ना बच्चों के साथ खेलने। दूल्हा आ गया हमारे घर खेलने आज। अच्छी बच्ची है, दुआ भी अच्छी बच्ची है, दोनों अच्छी फ्रेंड है। जनाब अभी आ गए थके हारे, हो गया पानी मुकम्मल, खाद भी हो गई। चलो आज सितारा अहमदपुर जा रही है, खाने का भी कहा है, कहती है बस वो जो रात खा लिया था बस। उनको कह रहे थे कि घर जाना है, घर से वापस जैसे आएंगे फिर आपके साथ चलेंगे बाहर, तो मैंने बस मैंने इधर आती भी है थोड़ी देर के, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही, मैंने कहा वो थकी हुई है, कहेगी हर जगह जहाँ भी जाते हो कैमरे उठा लेते हैं, तो इस वजह से। कैमरे को भाई दुकान कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक। तो भाई हमारे घर, हमारे जो प्यारे दिल की जान, हमारी पहचान अम्मा और सितारा आए हुए हमारे गेस्ट। तो भाई कैसा लगा सफ़र, इतना थक हार के मीट किया कराची में, थक के आ रहे तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। अभी यहाँ पर दो दिन हुए, रेस्ट हुआ, फ्रेश हुए, तो अभी मैंने कहा हेलो हाय हो जाए। अम्मा जी आप सुनाए कैसे गुजर है आपके आपके दिन? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं रहती, शुगर तेज हो गई है। मैंने तो कहा है कि आप मेरे पास रहे, मैं आप मेरी शुगर ठीक करोगे? हाँ, गाँव घुमाऊंगा ताज़े ताज़े। नहीं बस मैं जैसे खाना खाती हूँ ना ऐसे लगता है कि जमीन ऐसे घूमने लग गए, चक्कर आ गया, फिर मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उठती हूँ, पाँव सोन हो जाते हैं बस ऐसे। आप खेतों में चले गए ना हरियाली में, शबनम में ठंडा पाँव को ताज़ी फ्रेश लगेगी, तो आप लोग सुकून मिलेगा। अभी मुझे अपने आप से डर लगता है कि कहीं मेरा पाँव ना फिसल जाए, मैं गिर ना जाए। वो अम्मा को प्रॉब्लम है ना पाँव वाली, अल्लाह खैर करेगा। और बच्चे कैसे हैं आपके? मीटअप कैसा रहा कराची? कराची वालों कैसा रहा मीटअप सितारा के साथ? तो सब कराची वालों को मेरे से बहुत बहुत प्यार सलाम, और यूट्यूब को बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो अभी हमारी यहाँ पर मीटिंग हो रही है, गाँव वाले बोलती हूँ ना कराची वालों बोलो। हाँ सुना गाँव वालों, तो यहाँ कराची वालों सब ठीक है भी, आप सबका प्यार इंशाल्लाह यूं ही हंसते मुस्कुराते आपके साथ चलेंगे। आपके सपोर्ट हम बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई आज का क्या मिशन है, क्या करना है आज? मैं तो कहता हूँ आज मैं आपको ले चलूँ खानपुर, वहाँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे चलते हैं। बन्नू पुलाव है और भी काफ़ी सारे पुलाव हैं और चाइनीज डिशेज भी हैं, अगर आप कोई हमें वहीं ले चलते हैं खाने के लिए। क्यों अम्मा जी होटल का तो खाते रहते हैं, आपके हाथ का खाने का मौका कभी कभी आपको जाते, आपको बाहर से खिलाते, आपको घर का तो आपको तो घर का पसंद है। नहीं मुझे घर का नहीं, असल में मुझे खुद घर का पसंद है, बाहर का हमेशा खाते रहते हैं ना, और फिर जब तो भाई ये देख लो, मैंने कह रहा हूँ कि आप खुले चल कह रहे नहीं आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो आप जो है ना घर बनाए, जो कुछ बनाए
हमें घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, बाहर के खाने खा करके तो हम थक के आते हैं गाँव, कि गाँव आपके हाथ के खाने खाएं। तो मैं आपके सबके सामने आप इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप जिस सिटी का आपको ले चलते रहे घूम फिर भी लेंगे, खाना भी अच्छा सा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मान रहे। अम्मा के हाथ में बस जादू है जी, अम्मा के हाथ की दाल हो तो सुभान अल्लाह जी रेस्टोरेंट यही है। बाहर के खाने अच्छे नहीं लगते, बस और जी आज इंशाल्लाह अब्बू की कब्र पर तो इंशाल्लाह जाएंगे। अभी टाइम थोड़ा सा मैं अभी आऊँगा उसे काम करके, अगर टाइम बनता है तो अब्बू को के पास जाने का जो है ना, देखिए अगर टाइम बनता है तो जाएंगे अब्बू से मिलने इंशाल्लाह। अब्बू से मिलने जा रहे हैं, गांव दरवाजे पे आ गए हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे जा रहे हैं सब चाय पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मेरे वैसे मुझे अंदाजा था कि कम से कम जो है ना 10-15 हज़ार लोग जमा होंगे। 10-15 हज़ार नहीं, 10-15 नहीं, लेकिन उससे कम आए हैं। लेकिन उस वक्त मुझे फिर भी अगर हम संडे को रखते सैटरडे या संडे को और 10 दिन पहले बताते हाँ तो छुट्टी फिर बहुत होती, तो फिर जो है ना सब्सक्राइबर ज्यादा आते हैं। छुट्टी वाले दिन अगर छुट्टी का दिन होता ना तो फिर ज्यादा, छुट्टी का दिन नहीं था ना तो नेक्स्ट टाइम पे छोटे हॉलीडे के देखो जो है ना वो फिर मीठा बनाएंगे। अब इस्लामाबाद में बनाएंगे, हर शहर में बनाएंगे, जहाँ जहाँ में प्यार मिलेगा, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ताहिरा सिस्टर की तरफ से होगी और अब इस्लामाबाद में मीटअप। अब इस मीटअप में दोनों भी होंगी इंशाल्लाह, सब आएंगे। और भाभी आप कैसी हैं? आपने सोचा था? हाँ नहीं, मैंने इतना तो नहीं सोचा था कि इतना आएंगे, क्योंकि एक दिन आपने पहले बताया। हाँ लेकिन जब आप गाड़ी में बैठ के ना वो करे इतना बोलते, उस वक्त मैं भी रो रही थी, मैंने कहा अल्लाह पाक जिसे इज्जत दे ना तो कोई पूछे, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है, अच्छी है तो लोग भी आपको प्यार करते हैं, अच्छा है सच में बहुत प्यार है। कराची वालों ने हमारी पहचान बनाई है, कराची वालों आपने हमारी पहचान बनाई है, थैंक यू सो मच। दिल से शुरुआत भी ना, ये हमारा जन्म था ना, ये भी कराची से ही शुरुआत हुई थी ना, हमारा भी शुरुआत कराची से हुई, सितारा की भी शुरुआत कराची से हुई। और क्या 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 कराची वालों सब बहुत कुछ सिखाया है, कराची ने हमें बहुत कुछ दिया है, दिया भी है सिखाया, बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ सिखाया कराची, थैंक यू कराची वालों, थैंक यू कराची ने हमें चलना सिखाया। और फारूक भाई की चाय भी जो है ना यहाँ के घर, इनके घर की चाय भी मशहूर है, मशहूर है, जो भी यहाँ की चाय पीता है, ताज़े बकलू की चाय होती है दूध की, तो भाई मज़ा ही कुछ और आ जाए। अम्मा से पूछे कैसी है चाय अम्मा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अभी तो मुझे पसंद फौजिया के हाथ की चाय, अम्मी को अभी रोज फौजिया पिला रही हूँ। कैसे हो, ठीक हो? नहीं नहीं हो ठीक, क्यों क्यों ठीक नहीं हो? अभी गांव से आया ना काम, मेरे साथ करके थक के आया। मैं तो एक बात से हैरान हूँ कि उमर यहाँ गांव में रहता है, रात दिन धूप में इधर उधर, और इसका कलर कैसे चल जाता है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने इतना गोरा बनाया, अल्लाह ने गोरा बनाया, अब क्या करें, यही बोलो। अभी कह रहे हैं कि मेरी शादी करो, मैंने कहा अभी तो अभी आप जो है ना काम काज जो है ना वो सब समझ जाओ, जिम्मेदारी जो होती है वो अपनी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पे उठा सको। अभी इनका ना ये बड़ा हो गया, उम्र इतनी नहीं है और ये बड़ा है, ये हाइट हो गई है हाइट, तो इसका दिमाग इतने बच्चों वाला है। इंशाल्लाह भी शादी भी बड़ी धूमधाम से करेंगे, क्योंकि ये साना पियासिन का शर्मा गया। बड़े धूमधाम से इंशाल्लाह शादी होगी, इसकी बड़ी खुशी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर है, कुछ टाइम लगेगा, अभी हम इसका सेटअप करें कारोबार का, कारोबार सेट हो जाए तो घर भी नया बन जाएगा, तो फिर इसकी शादी पहले घर बनवाओ। हाँ ये तो बता, मीटअप देखो, मीटअप वाली वीडियो इसके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल आप लेके दो फिर देखो, ये देखो ये ना बात करते, मोबाइल ले दो फिर देखूंगा, चलो मोबाइल लेंगे फिर अगला इस्लामाबाद वाला मीटअप देखना। सुबह 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 नमाज पढ़ के
नमाज पढ़ के जाएंगे वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, दुआ मांगेंगे। अभी जैसे लड़के थोड़ा सा बड़े होते तो मोबाइल ही मांगते, मुस्तफा का भी यही काम है। मैं कहता हूँ कि कुछ काम सीख ले, कुछ हुनर सीख ले। अभी ये काम नहीं सीखता आपके साथ, वो हाथ बिठाते वो बहुत अच्छा है, मैं इसको बोलते दो मोबाइल ला। चलो चलो ठीक है, देखते हैं कि ना सब क्या बोलते, मोबाइल इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना तो अच्छा भी बोलो, अच्छा भी कितने का लेके दे, कितने का आप फैसला कर, कितने का मोबाइल चाहिए बोलो जी। बोलो 10,000 का, 5,000 का, 15,000 का, 20,000 का, बोलो कितने का? 10, 5, 15, 20,000 बोलो। 30,000 वाला कर दो, तो थोड़ी सी रियायत कर दो ना, ये बात बोल रही है कि थोड़ी सी रियायत कर दो ना। ये तो वो मोबाइल वाले करेंगे ना, आप कितना कर रहे हैं? ये वही वाला लेगा। नहीं ये 20 का बहुत ज्यादा है। मैं तो 5-6 बोल रहा हूं, 30 बोल रहा हूं, फिर 25 चलो करते हैं। 25,000 की आपके कहने पे जैसे जिद किया है तो भाई डन हो गया 25,000 का मोबाइल कल या परसों। इंशाल्लाह दिमाग बस बच्चों वाला, ये काम तो सीखता नहीं है, कल या परसों उमर को जो 25,000 का मोबाइल। चलो ठीक है, आप कुछ साथ चलेंगे वो चले ना चले आपको मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है, कहते मैं साथ चलूंगी, कहते मैं साथ चलूं फिर कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता है तो फूफो के हाथ से आपको ले जाएगा डब्बा पैक। ठीक है, ओके आप खुश हो। चलो चलो ये मामला अभी खत्म हो गया, ये मामला भी खत्म। ये जब भी आप आते हैं कोई ना कोई मामला तो खत्म कर ही जाते हैं। जब भी आती हूँ ना, जब भी आती हूँ यही बात बोलता है, फूफो मुझे मोबाइल चाहिए, इसको सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल से बहुत चलो इसके मोबाइल का। चलो अभी मोबाइल गाल भी इसका हो गया, क्या करें इसके दिमाग का, ये काम तो करता नहीं। जो पढ़ने अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा, इसका दिमाग कम नहीं कर रहा, क्या करें। इतने बड़ा पैप मारते हैं जो कारी, वो बड़े बड़े पैपों से मारते हैं। अरे भाई अगर तुम सबक याद करोगे तो क्यों मारेंगे वो, हमने तो पढ़ा है, हमने तो यही मारे खाई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। कुरान मजीद भी पढ़ा है, उर्दू भी पढ़ा है। चलो ठीक है, अभी जा रहे हैं अम्मा के घर, जा रहे हैं अम्मा के घर, जा रहे हैं। नहीं जाओ घर, नहीं तो फिर खाना इधर बन रहा है, खाना इधर उधर सोई हुई है, उधर चले चले आ जाए। ओके ओके, और ये देखो ये आगे खड़े हैं, हम यहाँ से कैसे गुजरे, एक तो इनसे इतना डर लगता है। नहीं ये प्यारे से क्यूट से हमारे बेबीज हैं। चलो मम्मी फारूक भाई आते हैं तभी सारे हट जाते हैं। चलो चलो चलो, ये हमारा राजू, कौन सा राजू? मैं लेके आया था, अभी ये कहता है कि मुझे दे दो, फारूक भी बोला है लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार मारता तो है, मारता किसको है, उमर किसी को नहीं मारता, बस ऐसे इनके साथ है ना हाथापाई करता है, जोर लगा रहा है। राजू भी ले जाओ, सारे ले जाओ, चलो चले मेरे लिए लाइक चीज कोई बात नहीं, मुकाबला होगा ना, देखते हैं कौन ज्यादा रेसिपी अच्छी बना देता है। ओके सुना नहीं आप पहले क्या कर रहे थे, बोले ना क्या कर रहे थे मेरे साथ। अरे भाई इसको जो है ना आटा इसमें थोड़ा सा लगा दो, और ये ना हमारा प्यार होता है। हाँ ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार होता है। हाँ हाँ, अभी मेरी अम्मा के सामने तो तूने प्यार ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं मेरी अम्मा के सामने तो मुझे हाथ लगाओ फिर पता। मशीन लगाई थी तो वो लाइट चली गई, तो इसलिए मैंने सालन चढ़ा दिया। तो अभी जो ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और खुश्क धनिया भी इसमें डाल के ना बना रही हूँ पेस्ट, क्योंकि सालन जो ना मैंने चढ़ा दिया है तो गोश्त था, पर कब से जो मैंने चढ़ा दिया सालन, पर आटा जो है मैंने गूंद लिया, अभी ये लगता है मेरा सालन जो है ना रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें सालन हमारा एकदम यमी और टेस्टी रेडी है, तो बस इसमें हरा धनिया काट के डालते हैं। और
बटन और अभी जो है अभी बुशरा और उमर पुकारा कर रहे हैं हम खेल रहे हैं चलो मैं मैं तो पुक गई हूँ पहले से ही रुखसाना बारी दे रहे हैं बारी दो देखे रुखसार ने गन्ने खा सब ने सब बच्चों ने गन्ने खा के ये देखे हाल क्या कर दिया घर का ये देखे कचरा का कचरा चेक करो ये भाई जमील मेरे लिए लाए थे जी जी क्या हुआ टेस्टी बना हुआ है सही है बिल्कुल क्या दे दिया क्या दी ये चॉकलेट चॉकलेट हाँ जूस चॉकलेट हाँ वो मैंने ऊपर रख दिए भाभी इकरा और हाँ जर्दा बना के लाई थी भाभी इकरा जो ना तैबा के लिए भी देख के मैंने कहा बर्तन जनों को फारे कर देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत जिन्होंने सजाया है बनाया इतने प्यार से तो ये उनके लिए है चले जाओ तैबा भी खाएगी आप भी खाना ठीक है अच्छा हाँ बस अब चेक करो बताओ कैसे बने हैं अच्छी बने अच्छे बने हैं ना आपको पसंद आएंगे ठीक है चलो बिस्मिल्लाह को भाई इन्होंने सारा रूम इधर बनाया बस इधर खेलने तो भी सोएंगे कुछ देर तक तो बस बैठ गया काफ़ी देर गपशप हुई भाई जमील भाभी और सब तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए उनके साथ बैठ गए तो बस अभी जा रहे हैं हमने तो कहा कि आप रात रुक जाएं लेकिन भाई कहते नहीं सुबह मुझे दूध का काम होता है तो जल्दी जाना है अभी दूध वाले बर्तन भी धोने हैं तो अच्छा भाभी फिर हाँ अल्लाह हाफिज़ अम्मी को सलाम कहिएगा ठीक है मैं तो कह रही रात रुक जाइए सुबह फिर आऊँगी चलो ठीक है आपकी मर्जी अभी जाना है घर जाना है फिर मम्मा के पास हाँ। जाना है हाँ। चलो फिर आ जाओ आपको उम्र छोड़ के आते आ जाओ मैं आपको पहनाती हूँ आ जाओ हाँ चलो आपके हाँ वो आज नहाई है ना उस वजह से डटी हाँ शूज डटी हो गए ना तैबा के अच्छा बहना के हो गए वो नहाई है ना उस वजह से हाँ बहना के चलो